महाराष्ट्र में उभर रही है, इस बारे में हम बात करते हैं बीजेपी की प्रवक्ता श्वेता सालिन से। श्वेता, स्वागत है आपका और कांग्रेचुलेशन। अभी तो जस्ट काउंटिंग शुरू हुआ है और बीजेपी लीड कर रही है हर जगह पर। सो कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड, आई थिंक हमें सिखाया है नरेंद्र भाई मोदी ने कि बी हम्बल इन विक्ट्री। अभी तो विक्ट्री की शुरुआत है, मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ द डे हम वही नतीजे देखेंगे जो एग्जिट पोल्स दिखा रही हैं। 222 का रिकॉर्ड रहा है महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में और भूपेंद्र जी, अमित भाई शाह और नरेंद्र भाई के विजन के तहत। मुझे लगता है कि हम दोबारा से ये रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं और काउंटिंग के नतीजे आए ही नहीं, उसके पहले ही जश्न शुरू हो चुका है। क्योंकि देखिए ऐसा है, ये आगाज होता है और हमें पता है कि जनता बाहर निकली है, हमारे वोटर्स बाहर निकले हैं और हमारे वोटर्स ने हमें वोट किया है। देखिए राजनीति बदल रही है और दिस इज द एरा ऑफ परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स। ये एक पहचान है कि देवेंद्र फडणवीस जैसा व्यक्ति जिसने ग्राउंड पर जाकर डिलीवरी की है, परफॉर्मेंस किया है और नरेंद्र भाई मोदी के विजन को लोगों तक, जनता तक पहुंचाया है, ये उसकी विक्ट्री है, ये विक्ट्री काम की है। सो इसलिए वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि यही नतीजा आने वाला है। इनफैक्ट इंडिपेंडेंटली हम अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि हम 140 से ज्यादा सीटें निकालेंगे, यानी कि बीजेपी अकेली सरकार बनाएगी। देखिए हम अलायंस में साथ में हैं और दोस्तों को छोड़ने की आदत हमारी नहीं रही है, तो इसलिए हम साथ लड़े हैं, लोकसभा में साथ थे। आप लोगों ने बहुत चेष्टा की कि हम विधानसभा में शायद दोस्तों का हाथ छोड़ दें, लेकिन ना हमने उस समय छोड़ा ना आप छोड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से सवेरे से खबर आ रही कि बीजेपी अकेली सरकार बना सकती है, बनाने को बहुत पहले भी बना सकती थी, लड़ने को अकेले भी लड़ सकती थी, लेकिन हम लड़े नहीं और सरकार में भी अकेले नहीं रहेंगे। क्यों रहें, हम सेंटर में साथ में हैं, यहाँ पे भी साथ में रहेंगे। तो क्या डेप्यूटी सीएम पोस्ट सेना को दिया जाएगा इस बार? देखिए ऐसा है, ऐसा कुछ वादा नहीं किया गया है। वादा यह है कि रिकॉर्ड मार्जिन से आदित्य जी जीतेंगे और ऐसे नतीजे दिख रहे हैं कि रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। स्वागत